अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खलील अहमद हुसामी न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज हज वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली के हाथों हज हाउस में अमल में आया। वाज़े रहे कि यह कैंप 3 रोज़ा रहेगा और हैदराबाद से पहला काफिला 18 जुलाई को रवाना होगा। इस मौके पर नामपल्ली एमएलए जनाब जाफर हुसैन मिराज, हज कमेटी के सदर जनाब मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर ने शिरकत की। आपके नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद जईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल याकूतपुरा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला आपके जो सफ़र है आपका जाने आने का उसे आसान फरमाए ताकि हमारे हाजिरदार की खासतौर से हमारे हजरत सीएम साहब हाजियों के खिदमत के लिए और उनके इंतजाम के लिए हमेशा विधायक फिर कहेंगे आज के हजरात जो होते हैं वहाँ के मेहमान होते हैं तो वो जितना हो सके जितनी सहूलत पहुँचाना है पहुँचाइए। मैं हमारे राष्ट्रपति सेवाएँ बचपन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वो आने के बाद काफ़ी चुनाव करते रहे, आज इंतजाम में अल्लाह तला हमारे तेलंगाना के हमी हमारा को तेलंगाना स्टेट की जाने से जितनी भी दिक्कत थी हमारे सीएम ने कहा कि पैसे जितने अल्लाह के आज माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हाजियों की जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में आज शुरू किया गया है। जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 1500 तक हाजियों को आज यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया है। इसकी महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के नामपल्ली एमएलए हैं, यहाँ के कारपेटर लोकल कारपेटर मैम और हमारे हज कमेटी के जितने मेम्बर आते हैं पूरे मिलकर ये प्रोग्राम में शामिल थे। खासकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम भाई भी ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं और ये प्रोग्राम यहाँ पे 3 दिन तक और चलेगा, माने कल और परसों शाम में 3 बजे तक हमारे पास कैंप रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक हाजियों की आमद रहेंगी और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आराम से जिसका जो सीरियल नंबर यहाँ दिया जा रहा है उस सीरियल नंबर के हिसाब से आप अपना जो सब वैक्सीनेशन का पूरा कम्प्लीट करिए और ख़ासकर यहाँ पर इस साल से हमारे हज हाउस में बिल्कुल यही कैंप के दौरान वैक्सीनेशन के दौरान हम मेडिकल चेकअप भी लोगों के लिए रखे हैं और माशाल्लाह से वो भी बाखूबी चल रहा है। बीपी शुगर हर चीज़ ब्लड ग्रुप का भी जो है टेस्ट नीचे कर रहे हैं, ये भी ये साल से हम शुरू करें इस चीज़ के लिए।